वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बेटा? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आज आपके सामने एक बहुत प्यारा सा बच्चा है। ये इंशाल्लाह आपको चंद दीनी सवालों के जवाब देगा कुरान और हदीस से, जिससे इंशाल्लाह आपके दीनी मालूमात में इजाफा होगा। तो आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद आयान। माशाल्लाह, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 4। माशाल्लाह, चलिए अब हम आपसे इन क्वेश्चन के आंसर लेते हैं। चलिए हम अब आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तौहीद के क्या मायने हैं? अल्लाह ताला और उसकी ज़ात व सिफ़ात में एक मानना। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, तौहीद का दीन इस्लाम में क्या मुकाम है? जिस तरह सर का मकाम बदन में है, इसी तरह तौहीद के बगैर इस्लाम का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें कितना प्यारा सा बच्चा और कितना छोटा सा है, और कितने खूबसूरत अंदाज में इन सवालों का जवाब दे रहा है। और हम सबको भी इन क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए और हमें मालूमात होनी चाहिए दीन के बारे में, क्या आया हमारा दीन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया? अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। इसकी दलील अल्लाह ताला का ये फरमान है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हक्कुल्लाहि अलल इबादि अन यअबुदूहु व ला युशरिकु बिही शैअन। अल्लाह ताला का हक बंदों पर यह है कि वो सिर्फ इसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। देखें कितने खूबसूरत अंदाज में इस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसी तरह अल्लाह ताला तमाम बच्चों को दीन की मालूमात, यानी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला यानी इंसान जब कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको दीन की तौफीक देता है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को इसी तरह दीन के रास्ते पर लगाएं, ताकि उनको दीन की मालूमात हो। जब दीन की मालूमात होगी तो इंशाअल्लाह वो दीन को आगे फैलाएंगे, और दीन का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपसे करते हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत किस तरीके से करें? जिस तरह हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम, सूरह मुहम्मद आयत नंबर 23। ईमान वालो, अल्लाह की अतात करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो और अपना अमल जाया ना करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिल अमला लैस अलैहि अमरुना फहुव रद, जिस किसी ने कोई ऐसा अमल किया हो जिस पर हमारा हुक्म ना हो तो वो मर्दूद गैर मकबूल है। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। देखिए इस बच्चे ने कितना खूबसूरत अंदाज में इस दीन सवाल का जवाब दिया है कि हम अल्लाह ताला की इबादत किस तरीके से करें। यानी ये हमें मालूमात होनी चाहिए कि अल्लाह की इबादत हमें किस तरह से करना चाहिए। वाज़े तौर पे इस बच्चे ने कुरान और हदीस के हवाले से आपको वजाहत करी कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगा तो वो शख्स कामयाब है, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अतात नहीं की, अपनी मन मर्ज़ी, अपने नफ्स की गुलामी की और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो क्या होगा? वला तुबतिलु आमालकुम, तो उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा दीन कितना अच्छा है। फिर आगे बच्चे ने क्या बताया कि जो कोई भी इस तरह का अमल करेगा, यानी दीन से हट के कोई भी अमल करेगा, तो वो जो है अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा और वो मर्दूद यानी गैर मकबूल है, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा वो अमल। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को नेक बनाए, अपने वालदेन का फरमाबरदार बनाए। चलें अब हम आपसे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि तौहीद की कितनी किस्में हैं? तौहीद की 3 अहम किस्में हैं। नंबर 1 तौहीद रबूबियत, नंबर 2 तौहीद उलूहियत, नंबर 3 तौहीद अस्मा व सिफात। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। देखें इस बच्चे ने कितने अच्छे अंदाज़ में हमें तौहीद की वाज़ह तौर पे किस्में बताई हैं कि तौहीद की 3 किस्में हैं।
तो अल्लाह ताला इस बच्चे का हाफ़ज़ा और इसको इसके वालदेन का की आंखों की ठंडक बनाए। और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में इस बच्चे ने इस सवाल और जवाब क्वेश्चन के आंसर दिए। तो इसी तरह आप लोग भी कोशिश किया करें कि आपकी औलादें भी इसी तरह दीन का इल्म हासिल करें और इस तरह अपने अल्लाह के दीन को फैलाएं, क्योंकि देखें दीन का जो है ना, दीन की बहुत कमी है। वाज़े तौर पे दुनिया तो हमें सब कुछ दिख रहा है लेकिन दीन की बहुत कमी है। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन की मालूमात दे और इस साथ के साथ हम लोग इस पर अमल भी करें। चलिए ठीक है बेटा, चलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।